एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन और एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद के दूसरे सत्र का विषय था वंशवाद, हर राजनीतिक दल का कड़वा सच। इस ज्ञान सत्र की संकल्पना एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी की है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अध्यक्ष के रूप में थे एमआईटी के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट। इस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जोशी ने कहा, राजनीति में वंशवाद से ज्यादा हमें राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने पर काम करना चाहिए। मैं छात्र संसद के माध्यम से नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूं, इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है, इसलिए इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मतदान के प्रति नौजवानों को जागरूक करें, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि पॉलिटिकल पार्टी अल्टरनेट नीतियां बनाएं जिन नीतियों से देश से आगे बढ़ाने का काम कर सके, धर्म जाति के आधार पर, भावनाओं के आधार पर वोट ले सकते हैं पर नीति बनाए बगैर हम देश का निर्माण नहीं कर सकते। सत्र के दौरान छात्र नेता उत्तराखंड से आए हेमनंदन शर्मा, महाराष्ट्र की कोमल बड़दे, मणिपुर के तकम रेगम, ओडिशा से आए प्रत्युष पटनायक और महाराष्ट्र की गार्गी भंडारी ने राजनीति में वंशवाद पर अपने विचार व्यक्त किए। आज विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे विरोधी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, किंतु जब उनकी जड़ें टटोली जाती हैं, तो वो खुद परिवारवाद से कुपोषित निकलती हैं। श्रीलंका जैसी हालत अगर हमारे भारत की ना बने, ये अगर इच्छा है तो जागो यारो, हम ही इस देश के जागरूक नागरिक हैं और हम युवा के हाथों में ही इस देश की जिम्मेदारी है। जरूरत है दरकार से कहने की, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। When a party practices dynastic system, it does not speak well of our political system. भारत के लोकतंत्र को, युवा को और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टी से है, क्योंकि there is no dynamic, only dynasty in them. Despite being the world's largest parliamentary democracy, dynastical reign among political parties is as old as country's independence. Why? Mainly because of financing during the centralized elections and to keep the power set trapped within the house itself. Yuva ho ya buzurg, धुरंधर हो या नौसिखिए, आजकल सभी नेताओं यही फिराक में रहते हैं कि वे किसी स्थापित राजनीतिक परिवार की कृपा पात्र बन जाएं और उनकी राजनीतिक नैया पार लग जाए। श्री राघव चड्ढा के अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवसाय और कंपनियां बन गई हैं। युवाओं को एक साथ आकर राजनीति में वंशवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। परिवारवाद और वंशवाद का ये प्रकरण कई युगों से चलता आ रहा है। जब परिवारवाद राजनीति पर काबिज होता है तो परिवार हित सर्वोप्रिय हो जाता है, देश हित सर्वोप्रिय नहीं होता। और केवल भारत ही नहीं, अगर हम अपने पड़ोसी देशों की भी बात करें तो इस वंशवाद की दीमक, इस परिवारवाद की दीमक वहां की राजनीति को भी खा रही। अगर वंशवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को भारत की जड़ों से उखाड़ फेंकना है तो आप सबको खड़ा होना होगा, सब सबको साथ आना होगा, तभी हम कुछ परिवारों की, चंद परिवारों की इस पॉलिटिकल मोनोपोली को ध्वस्त कर पाएंगे। राशिद किडवाई जी ने कहा कि अगर नागरिक उन्हें चुनाव में हरा देंगे तो वंशवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो वोटर है वो एक फाइनल स्टेक होल्डर रहता है। गंभीर प्रश्न ये है कि आज हमारे देश में वंशवाद, जिसकी हम बात करते हैं, ये क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसका। ये वंशवाद से कोई राजनीतिक दल परे नहीं है। जनता अगर ये एंटी डिफेक्शन वालों को, वंशवाद वालों को वोटर रिजेक्ट कर दें तो आप देखिएगा ये तमाम समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर मीरा कुमार ने कहा, हमें भेदभाव मुक्त देश बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस देश के
नवयुवा आगे आए और बागडोर संभाले और आगे आकर के आधुनिक भारत बनाए, ऐसा भारत जहाँ पर जात पात नहीं हो, जहाँ धर्म और मजहब को लेकर के नफरत नहीं हो, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता, ऐसा भारत आप बनाए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वहाँ जो छात्र संसद में बैठे हैं वो एक दिन संसद में आकर बैठे और इस देश को आधुनिक भारत बनाने के लिए पूरी अपनी चेतना, अपना श्रम, अपना विवेक सब कुछ लगा दे। शिवराज पाटिल जी ने कहा, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए महिलाओं की भागीदारी और समान अवसर महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का काम MIT के तरफ से, खास करके नौजवान राहुल कराड की तरफ से, और शायद पिताजी ने उनको काफ़ी मुबारक दी है और मदद भी की है उनके तरफ से और दूसरों की तरफ से हुई है, उतना अच्छा काम शायद दूसरी तरफ अभी नहीं हो सका है। संसार के किसी भी देश के लोकशाही को अगर अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है तो महिला को भी आज जितना साथ मिल रहा है पॉलिसी बनाने का, सरकार चलाने का, बच्चों को सिखाने का, वो काम जो है अगर महिला को ज़्यादा अगर मदद दी जाए तो हो सकता है। पुणे में चल रही 12वीं छात्र संसद के अगले सत्र की जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।